हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लेक्चर नंबर 9 और मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और ये मोल कॉन्सेप्ट का आज लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हम अब मोल कॉन्सेप्ट का मौलिक छोटा छोटा न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन आज के टॉपिक में थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को हम लोग देखने वाले हैं। वैसे आप लोग तो कई न्यूमेरिकल्स बना लिए होंगे, लेकिन कई न्यूमेरिकल्स ऐसे जो आप लोगों का फंस रहा होगा, तो मैं आज आप लोगों को वो सारे न्यूमेरिकल्स जो फंस रहे होंगे उनको मैं सॉल्व करने आया हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ बताएंगे जिससे आप लोगों को लगेगा कि इसके आधार पर और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ N-3 इन कूलम्स। तो कूलम में हम लोग यहां सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इधर न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, कुछ 6 न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स इसमें बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ N-3 इन कूलम। देखिए, सबसे पहले बात, यहां पे जो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है। और सबसे पहले बात एक बताएं कि कोई भी एलिमेंट्स चार्ज के निर्माण तभी करता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, कहीं ना कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज -3 हुआ है। यानी कि नाइट्रोजन को एक एटम, नाइट्रोजन में बात करूंगा, अभी मैं 1 ग्राम आयन की बात नहीं करूंगा, मैं 1 एटम नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। जब 1 एटम नाइट्रोजन होगा तो वो उनके द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, दैट मीन्स 1 एटम नाइट्रोजन -3 हैव, कह सकते हैं यहां पे हैव 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब एक एटम नाइट्रोजन आयन जो है N-3, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अगर आपसे ये कहें हम कि एक एटम जो है उसके लिए हमें अगर कूलम में चेंज करना है, 3 × 1.66 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगा। समझ रहे बात? क्योंकि मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में क्या होता है, 1.66 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जो कि कूलम में ऐसे है, इसका इन्होंने उपयोग किया है, क्योंकि 1 एटम में जितना रहेगा। अब एक बात सोचना ये है कि अगर इसको हम 6.022 के निकालें तो क्या होगा, यानी कि 6.022 × 10⁻²³ एटम ऑफ N-3। 6.022 × 10⁻²³ एटम को ही हम 1 ग्राम एटम भी तो कहते हैं। तो इतना एटम ऑफ N-3 को लेकर अगर बनाते हैं तो 3 × 1.66 × 10⁻¹⁹ और × 6.022 × 10⁻²³। तो इस प्रकार ये सब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 1 ग्राम एटम का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कूलम में प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, तो इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये डाटा जो मिलेगा लगभग 4 point something का मिलेगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, हम इसमें गुना नहीं करेंगे, आप लोग चाहो तो सॉल्व करो, मैं चाहूँ तो फाइनल इसका आंसर बता सकता हूँ। फाइनल इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा इसमें 2.89 × 10⁵ कूलम, × 10⁵ कूलम, और यही इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आप लोग इसको गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद आपका यही आंसर आने वाला है, नो डाउट। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द कंपाउंड्स ऑफ एयर, सेकंड जो हमारा है, सेकंड एक हल करेंगे। चलिए, तो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर सेकंड क्वेश्चन,
इसके लिए मैंने कई बार बताया है कि सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, यानी सबसे पहला काम आपको मोल निकालना। मोल में हमारे पास जो है ये गिवन 11.2 लीटर SO2 दिया गया है, तो हमें यहाँ पे 11.2 यानी कि 11.2 डिवाइड बाय 11.2 लीटर है, ये बात समझिएगा, ये लीटर है यानी वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो इसको डिवाइड करने के बाद से हमें मोल कितना मिलता है, ये दो बार में कट रहा है तो 0.5 मोल मिला। अब हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.5 गुने 6.022 × 10^23, वैसे में इसका फॉर्मूला होता है मोल गुने 6.022 × 10^23, तो हमें मोल मिल गया, मोल में इतना से गुना करेंगे और ये जो आएगा वही मॉलिक्यूल्स होगा, कितना आएगा, गुना करने पर आएगा चूंकि 1/2 है तो 3.011 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, यही आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। आइए 3 में चलते हैं। 3 क्वेश्चन कहता है कि एक एयर, एयर में तो जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन, बहुत सारे होते हैं। तो कहता है कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर N2, O2, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, सबका दिया गया परसेंटेज, N2 78%, O2 21%, एयर जो आर्गन जो है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.1% है सभी, लेकिन बाय वॉल्यूम है। व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि कभी भी आपसे ये पूछा गया जाए कि एक मोल एयर का वेट बताओ, एक मोल एयर, द वेट ऑफ वन मोल ऑफ एयर इज 29 ग्राम, है ना, एक मोल एयर का जो भार होता है 29 ग्राम होता है, इस बात को समझिए, आएगा आंसर उतना ही। तो मैं एक पहले, सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊं आंसर 3, एवरेज एक मास होता है ना, एवरेज मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला है, ये तो चिन्ह आप लोग जानते हो, ये चिन्ह है सिग्मा कहते हैं, वैसे में समेशन को कहते हैं इसको, है ना, समेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर्स, जो भी ले लो, तो समेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मूला है समेशन ऑफ परसेंटेज मास गुने आइसोटॉपिक मास ऑफ, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं, एवरेज मास हमें निकालना है अगर, तो फॉर्मूला ये है परसेंटेज मास गुने आइसोटॉपिक मास ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज मास इतना लेंगे सब 100 में होगा। अब यहां पे हम लोगों को एवरेज मास ऑफ एयर निकालना है, तो आइए हम लोग अब एयर का एवरेज मास निकालते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज मास दिया गया है, है ना, नाइट्रोजन का परसेंटेज मास कितना दिया गया, 78। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 28 प्लस, फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया 21 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 प्लस,
आर्गन का 0.9 दिया गया है, तो 0.9 और आर्गन का लगभग 40। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का 0.1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 0.1 प्लस 0.1 गुने CO2 का 44, और सबको डिवाइड कर दीजिए आप 100 से। तो ये डिवाइड जब करोगे तो तुम्हें ये सब सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करते ही तुम्हारा जो मास आएगा यहाँ पे वो 28.9 आएगा यहाँ पे एवरेज मास, जो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि कभी भी एक मोल अगर कोई भी एयर लोगे, एक मोल एयर का भार पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताओगे, 29 ग्राम बताओगे। तो उसी प्रकार एवरेज मास ऑफ एयर जो आया लगभग 28.9, लगभग 29 ही होता है। तो ये आंसर था तीसरा। चौथा देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, बहुत परेशान करता है बच्चों को, और कई बार बच्चे इस पे बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इसको छोड़ भी देते हैं। आइए देखते हैं, बहुत आसान तरीका, बहुत ही इजीली मेथड बताएंगे, दो तीन तरीके हैं लेकिन हम लोग बहुत आसान मेथड देखेंगे। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, मतलब CO2 का भार लिया गया 200 मिलीग्राम, 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, उसमें से घटा देना है। तो कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द CO2 आर लेफ्ट, तो कितना मोल CO2 बचेगा, यानी कि 200 मिलीग्राम आपको CO2 दिया गया, उनमें से उसका 10^21 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जितना इसका मॉलिक्यूल्स आएगा उनमें से 10^21 मॉलिक्यूल्स घटाइए, जो आएगा फिर उसका आप मोल निकाल दीजिए। तो ये एक तरीका हुआ कि हम लोग आंसर चार को सॉल्व करेंगे उस तरीके से। दूसरा तरीका, हम इसका भी मोल निकाल लेंगे और इसका भी मोल निकाल लेंगे, दोनों को मॉलिक्यूल से भी मोल निकालेंगे, इससे भी मोल निकालेंगे, और फिर दोनों में से घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये मोल। यानी कि हम लोग देखते हैं इसका मोल, मोल पर देखते हैं, यहां पर देखिएगा, पर लिखते हैं, चूंकि CO2 का भार दिया गया कितना 200 मिलीग्राम, यानी कि इसको 0.2 ग्राम कर सकते हैं। तो ये 0.2 ग्राम का सबसे पहला काम है कि मोल निकालना है। तो 0.2 डिवाइड बाय 44, हमने पहला यहां से मोल निकाल लिया, और 0.2 डिवाइड करेंगे आप उसको अगर ये मतलब 44 से, तो आपका जो मोल आएगा ये आएगा आपका 0.00545 मोल, यही आएगा, आप डिवाइड करके देख लेंगे। फिर इसके आगे देखते हैं कि चूंकि 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी दिया गया है, तो फिर आप इसका मोल निकालिए। अब इसका मोल निकालेंगे 10^21 डिवाइड बाय 6.02 टू 10^23, ये आप बताया गया था आपको मोल निकालने का तरीका, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स दिया हो तो 6.02 टू 10^23 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आएगा ये 1/6.02 को हम लोग 1.66 पढ़ चुके हैं, AMU में सॉल्व किए थे, उसको यूज कर रहे हैं, 1.66 इंटू 10^-24 इंटू 10^21 मोल, दैट मीन्स 1.66 इंटू 10^-, कितना आएगा, 3 मोल, यानी कि 3 जीरो इधर लाओगे तो 0.00166 मोल आएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें इस मोल को इस मोल से घटाना, जो रेस्ट मोल बचेगा पूछ रहा है, तो रेस्ट मोल इज इक्वल टू 0.00454 माइनस 0.00166
इज इक्वल टू घटाइए, यहां पे चार है, चौदह में से छ जाएगा आठ, यहां बच गया फिर चार, चौदह में से फिर छ जाएगा आठ, ठीक है, और यहां बच गया तीन, तो तेरे तीन में से एक गया दो, ठीक है, और यहां पे आ गया जीरो जीरो पॉइंट जीरो, तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.88 × 10⁻¹⁰ एक दो तीन माइनस तीन मोल, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बनाया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो हम लोग अब आंसर देख रहे हैं फाइव का, फाइव का तो बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है फाइव। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट 6.6 × 10³³ ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 kg ऑफ इट, मतलब एक एटम दिया गया है एलिमेंट एक्स, ध्यान देंगे पहले, और ये जो भार है वो एक एलिमेंट का है, एक एटम का है, तो गिवन वन वेट ऑफ, यहां पे एटॉमिक वेट दिया गया, ठीक है, एटॉमिक वेट ही दिया गया बाबू, एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम ऑफ एक्स बराबर कितना दिया गया, 6.6 × 10⁻²³ ग्राम, ये वन एटम का है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, किसी भी एटम का जो ग्राम में भार लेते हैं उसमें एटम की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻², तो जब एक एटम के भार को हम 6.022 × 10⁻², एटम्स का भार निकाल लेंगे, तो वह जो भार आएगा यह इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे चाहे यहां पे वेट ऑफ वन एटम ऑफ एक्स रखिए, गिवन में रखिए, कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ एक्स बराबर 6.6 × 10⁻²³ गुने 6.022 × 10⁻²³, ये आएगा ग्राम, इतना ग्राम आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 40 ग्राम आएगा, चूंकि 10³³ कटेगा, 6 × 36 दिख रहा, बाकी सब आएगा, लगभग 40 ग्राम, 39 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 ग्राम आएगा। तो यानी कि हम मान लें कि मोलिकुलर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स बराबर 40 ग्राम, तो यही आपका एक्स का एटॉमिक वेट निकल गया। अब क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 kg ऑफ इट, मतलब ग्राम एटम क्या, मोल, तो इसलिए ग्राम एटम निकालने के लिए ग्राम एटम बराबर गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, यहां गिवन वेट 40 kg दिया गया है, तो 40 × 1000 / 40 यानी कि 1000, ये आपका ग्राम एटम आएगा, That means 1000 मोल आएगा, यही आपका आंसर हो गया पांच नंबर क्वेश्चन का। छठा नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। How many moles of oxygen are contained in 1 liter of air if its volume content is 21% at NTP? मतलब मोल बताना है, यहां पे आपका जो है एयर में ऑक्सीजन है,
इस बार पूरे एयर में जितने भी एटम्स हैं उसको नहीं लिया है, इस बार लिया गया है एयर में 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं इसको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंटेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर इफ इट्स वॉल्यूम कंटेंट इन 21% एट एनटीपी। तो आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं छठा नंबर, और इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन इन 1 लीटर एयर इज 21%। तो निश्चित तौर पे हम लोग अगर देखें इसको कि एयर का यहां पे भार जो होगा टोटल 100 होगा, तो वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं यहां पे, तो एयर का पूरा भार अगर 100 ml है तो उस समय ऑक्सीजन का जो भार होगा 21 ml होगा, क्योंकि परसेंटेज का अर्थ ही होता है 100 में जितना दिया गया परसेंट उतना। तो चूंकि ये वॉल्यूम में लिया गया है, सीधे बोल रहा है कि इट्स वॉल्यूम कंटेंट इट्स 21%, वॉल्यूम में लिया गया है इसलिए हमने इसको ml माना है। कभी भी परसेंटेज में अगर वॉल्यूम को मापना है तो ml में लेना है, अगर ग्राम को मापना है मास को मापना है तो ग्राम में लेना है, यहाँ लीटर में नहीं लेना है, क्लियर। तो अब हम लोग एक बात समझते हैं कि हमें 1 लीटर के लिए पूछ रहा है जबकि दिया है कितना 100 ml के लिए, O2 जो है 21 ml है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंटेंड इन 1 लीटर ऑफ एयर, तो 1 लीटर एयर कितना मोल रखेगा, तो फिर इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि ये 100 ml अगर एयर है तो वो 20 ml ऑक्सीजन गैस को रखता है, है ना, ऑक्सीजन गैस को रखता है, इसलिए हमें कितना निकालना, 1 लीटर पहले से रखा है 1 लीटर में निकालना है क्वेश्चन कर रहा है। तो 1 लीटर को ml में अगर चेंज करेंगे तो 1 into 1000 ml डायरेक्ट कर सकते हैं, 1000 ml को चेंज करोगे तो 1 लीटर आएगा, ml मतलब 10^-3 तो कट जाएगा। तो 1000 ml ऑफ एयर इज इक्वल टू 21 / 100 × 1000 कटेगा, तो यानी कि 210 ml ऑफ O2 हो गया, ठीक है। कितना में, 1 लीटर एयर में इतना ml ऑक्सीजन है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी मोल्स, मोल्स कितना है इसका, तो इसलिए मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर गिवन वॉल्यूम 210 ml में है तो 10^-3 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए इसको लीटर में लेना होगा, और डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अब 210/22.4 लीटर को आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9.375 × 10^-3 लीटर, दैट मींस ये 3 से इसमें गुना करोगे तो 0.00937 लीटर। तो ये लीटर नहीं मोल है ना, मोल ये आएगा, ये आपका आंसर आ गया 0.00937 mole, ठीक है। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सात नंबर यानी कि आंसर सेवन में कहता है, क्वेश्चन 7 में कहता है 600 ml of a mixture of O3 and O2, weight 1 gram at NTP. Calculate the volume of ozone in the mixture. मतलब 600 ml में दोनों का है volume, और फिर दोनों का जो weight है वो 1 gram है, तो इसमें से O3 का volume आपसे पूछा जा रहा है। इसमें करेंगे क्या आप लोग कि मान लेंगे पहले लेट O3
वॉल्यूम ऑफ ओ थ्री बराबर एक्स, ओ थ्री का वॉल्यूम हम एक्स एम एल मान ही लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ओ टू कितना जाएगा 600 ml। तो अगर हम ओजोन का वॉल्यूम एक्स एम एल मानते हैं तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम 600 ml हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगर ये फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, नहीं नहीं 600 नहीं होगा, 600 माइनस एक्स होगा, 600 माइनस एक्स एम एल होगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों का वेट 1 ग्राम है, दोनों का यहां से वेट निकालते हैं, तो दोनों का वेट निकालते हैं यानी कि वेट ऑफ ओ थ्री, हम लोग ऑक्सीजन ओजोन का वेट निकालते हैं। तो वेट निकालने का एक फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मोल इनटू मोलेक्युलर वेट, मोल इनटू मोलेक्युलर वेट। ठीक है, ये कहां से फॉर्मूला आया मैं यहां समझाऊं, मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया है कि गिवन वेट डिवाइड बाय मोलेक्युलर वेट। तो आपको अगर गिवन वेट मतलब कि वेट निकालना है तो आपको मोल में मोलिकुलर वेट से गुना करना होगा, सिंपल सी बात है। तो मोल गुने मोलिकुलर वेट निकालेंगे तभी तो वेट ऑफ ओजोन आएगा। तो यहां से हमको निकालने के लिए इसमें मोल निकालना होगा, तो यहीं पे निकाल लेते हैं ना, मोल मोल को अगर वॉल्यूम से निकालना है यानी कि एक्स एम एल है 10^-3 लीटर में तो चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 22.4 लीटर मोल निकल गया, और ओजोन का मोलर वेट कितना होगा 48 हो जाएगा। तो ये आपका वेट ऑफ ओजोन मैंने निकाल लिया। इसी प्रकार वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, फिर आपका आएगा मोल इनटू मोलेक्युलर वेट। चले तो ऑक्सीजन का मोल कितना आएगा 600 माइनस एक्स इनटू 10^-3 डिवाइड बाय 22.4 और इनटू 32 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों का जो गिवन वेट है वो ऐड करने पर 1 ग्राम आ रहा है, मतलब उसका वेट 1 ग्राम है। तो यानी कि एक्स इंटू 10^-3 बट्टा 22.4 इंटू 48 प्लस 600 माइनस एक्स इंटू 10^-3 बट्टा 22.4 और इंटू 32 बराबर 1। तो ये सब जो है ऐड करने पर कहता है क्वेश्चन की 1 के बराबर होगा, हमने सबको ऐड कर लिया 1 के बराबर आ गया। अब इसमें से कुछ कमन लेने वाला पॉइंट, उसको कमन ले लीजिए, क्या कमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 10^-3 डिवाइड बाय 22.4, 10^-3 डिवाइड बाय 22.4 बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग। तो इतना हम लोग इसमें ये कमन लेते हैं, ठीक है। और तब आता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आ गया 48x आ गया राइट, यहां पे आ गया प्लस, ये प्लस में आ गया 600 माइनस एक्स इंटू 32 यानी कि ये कुछ है इज इक्वल टू 1। ठीक है बाबू, जल्दी नोट करें चूंकि इसको मिटाएंगे और इसको मैं आगे बढ़ाएंगे चूंकि मिटाएंगे तभी तो आगे बढ़ाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग जल्दी नोट करें इसको। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए, और अब हम लोग देखते हैं कि ये डाटा, इसको हम लोग इधर भेज सकते हैं, यानी कि 48x प्लस 600 इंटू 32 कर दीजिए कितना आएगा 14 12 के 2
और एक 36 18 एक 19 192 100 माइनस 32x इज इक्वल टू 1 × 22.4/10⁻³। इधर 22.4/10⁻³ जाएगा उधर तो उल्टा हो जाएगा ना। ओके नो प्रॉब्लम। अब एक काम करेंगे 48x में से 32 से घटाइए कितना आएगा 16x प्लस 192 100 इज इक्वल टू ये आपका ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा यानी कि 22400 इतना आएगा यानी कि 16x इज इक्वल टू 22400 माइनस 192 00 घटाएंगे तो क्या आएगा 00 चार में से 2 गया 2 12 में से 9 गया 3 और 1 यानी कि 3200 16x तो x बराबर आ गया 3200/16 यानी कि 200 ml आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि x जो आप माने हो ओजोन का वॉल्यूम पूछा गया था तो ओजोन का वॉल्यूम आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। कितना नंबर 7 नंबर। 8 नंबर कहता है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है हाउ मेनी आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए स्टेनलेस स्टील बॉल बेयरिंग हैविंग ए रेडियस ऑफ 0.1 इंच 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर द स्टेनलेस स्टील कंटेंस 85.6% आयरन बाय वेट एंड हैज डेंसिटी ऑफ इतना ग्राम पर सीसी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है 8 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इसको उठाते हैं यानी कि ये दिया गया है कि इतना परसेंट आयरन है स्टेनलेस स्टील में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टील जो है वो स्टील 100 अगर ग्राम है तो वहां पे हमारा आयरन जो है वो 85.6 ग्राम है। क्लियर। अब यहां से हम लोग को वॉल्यूम ये डाटा जो डेंसिटी का दिया गया है चूंकि डेंसिटी दिया गया 7.75 ग्राम पर सीसी तो यहां से हम लोग चाहें तो इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो चूंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है पूरे स्टील का मास है 100 और डेंसिटी होगी आपका 7.75 ये आपका आ जाएगा पूरा वॉल्यूम ml में आएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया आपका ml में और ये वॉल्यूम आपका जो ml में आएगा ये आएगा 12.90 ml। कितना आएगा ये आएगा 12.90 ml। चलिए इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। अब हमको एक चीज यहां देखना है कि ये जो बायरिंग दिया गया है स्टेनलेस स्टील का वो तो स्फेरिकल होगा और एक स्फेरिकल मतलब कोई भी पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्टील बेयरिंग बराबर 4/3 पाई एल क्यू। और हमारे पास इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग स्टील की वॉल्यूम निकाले हैं तो आया है 12.90 ml आया है और इस वॉल्यूम को वहां पे रखेंगे हम लोग यानी कि 12.90 ml को हम लोग सीसी माने सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं इज इक्वल टू 4/3 × 22/7 रेडियस कहता है 0.1 रेडियस इसका 0.1 इंच है
और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इसका रेडियस हो जाएगा आपका 0.254 सेंटीमीटर का होल क्यूब। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 गुने 22/7 गुने 0.254 को 3 बार आपको गुना करना है, तो यह आएगा 0.0164 सेंटीमीटर क्यूब, 0.0164 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको मिटा सकते हैं अब, तो हम लोगों को आगे जो निकालना है वो निकालना है इनका हाउ मेनी आयरन एटम्स निकालना। चलिए ठीक है, इतना हम लोग मालूम होना चाहिए कि हाउ मेनी आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। चलिए ठीक है, वहां से हम लोगों को एटम्स निकालने हैं, तो अब हम लोग इसको मिटा सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग अगर इस सबको सॉल्व करते हैं तो यहां से हम लोगों को ये मास वॉल्यूम ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे। ये इस जैसा कि हम लोग ये सॉल्व किए, यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग बेयरिंग का, बेयरिंग जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उसका हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद से 0.254 सेंटीमीटर होल क्यूब का इतना आता है, और यहाँ पे हमारा टोटल इसको सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम आया था 0.0687। अब हमको ये देखना है कि 12.9 ml ऑफ स्टील था तो उसमें आयरन कितना था, 85.6 ग्राम आयरन था। ठीक है, यानी कि 12.90 ml जब था तो उस समय स्टील आयरन जो था 85.6 ग्राम था, तो 0.0687 ml आ रहा है, उसमें हमारा कितना आएगा वैल्यू 85.6/12.9 × 0.0687। सॉल्व करने पे इतना ग्राम आयरन आ गया। अब इसका मूल निकाल लिए डिवाइड बाय 56, क्योंकि आयरन का वेट 56 होता है एटॉमिक वेट, डिवाइड करते हैं 0.008 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स में जाते हैं तो 0.008 और 6.022×10^23 से गुना करते हैं तो हमें यहाँ पे मोल प्राप्त हो जाता है 0.04810^23 एटम्स, और इसका जो फाइनल हमारा आंसर आया, इस पॉइंट को 2 डिजिट इधर खसकाएंगे, 4.81×10^21 एटम्स, और यही आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ओके, दैट्स ऑल, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, और भी क्वेश्चन बनाइए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, समझने में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।